आपके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो, क्या ना हुआ हो, वो ये कि आप सफर कर रहे हो, चाहे वो बहरी सफर हो या हवाई जहाज का सफर हो, और उसमें कुछ मुश्किल दरपेश आए, उस सूरत हाल में एक नारा जरूर लगता है, और वो नारा ये होता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी कि औरतों और बच्चों को पहले सिक्योर किया जाए, उनके लिए हिफाजती इकदाम पहले उठाए जाएं, बाद में दूसरों की बारी आती है, फिर कमजोरों और बूढ़ों की। ये नारा वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, जो कि मशहूर है बर्केनहेड ड्रिल के नाम से, हिस्ट्री में कब लगा पहली दफा, आज का हमारा मौजू इसी बारे में है। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है बर्केनहेड ड्रिल। बर्केनहेड ड्रिल यानी कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, ये नारा कब लगा था, आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं। ये स्टोरी बर्केनहेड ड्रिल, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर चैप्टर का मौजू है, उन्वान है, उसमें होता ये है कि एक कश्ती जा रही होती है ब्रिटिश ट्रूप शिप की, ब्रिटिश ट्रूप शिप यानी के बहरी जहाज, जंगी बहरी जहाज, ये जा रहे होते हैं इंग्लैंड से केप टाउन साउथ अफ्रीका, इसमें तकरीबन नॉट तकरीबन इसमें टोटल अफराद 630 लोग सवार होते हैं। इन 630 लोगों में से 170 औरतें और बच्चे होते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बाकी 460 हमारे पास सोल्जर्स होते हैं। ये सोल्जर्स, उनकी अभी अभी अपनी ही जिंदगी स्टार्ट हुई थी, इन एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फौजी फौज में इन्होंने नई नई शमूलियत हासिल की थी, और ये जा रहे थे इंग्लैंड से केप टाउन साउथ अफ्रीका। ये वाकया बर्केनहेड ड्रिल एक सच्ची कहानी है जो कि पेश आई थी 25 February 1851। बर्केनहेड, जो कि एक कश्ती का नाम है, वो कहते हैं कि वो आयरन मेड शिप थी। आयरन मेड के साथ साथ पहले के जमाने में लकड़ी की कश्तियां हुआ करती थी, जिसकी वजह से सफर आपका जो है काफी स्लो होता था, लेकिन बर्केनहेड शिप के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत तेज थी, फास्टर थी कंपैरेटिवली अदर शिप्स। 27 दिनों में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक का सफर कर सकती थी इन जस्ट 27 डेज। हालांकि पहले जमाने में जब कश्तियों का सफर हुआ था तो महीनों महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो बर्केनहेड काफी दूसरी कश्तियों के मुकाबले में काफी तेज थी। इसकी एक और खास बात थी कि काफी कंफर्टेबल थी। कंफर्टेबल इसलिए थी कि काफी बड़ी थी। इसके साथ साथ इसमें कैपेसिटी थी कि तकरीबन 500 लोग इसमें एक साथ आ सकते थे। पहले शिप्स इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब पहले शिप्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी। एक मशहूर है, बहुत टाइटैनिक के नाम से भी एक मशहूर है शिप, क्योंकि बहुत बड़ी थी, उस पर दावा किया गया था कि सबसे ज्यादा पावरफुल शिप है उस जमाने की, लेकिन उसके साथ भी हादसा रोनमा हुआ। सिमिलरली बर्केनहेड के साथ भी एक हादसा रोनमा हुआ। उस हादसे में तकरीबन 660 फौजी की डेथ हुई, इस तरह के तकरीबन रात के 2 बज रहे थे और सब सुकून में अपनी लाइफ, शिप अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना दवा थी, निकले थे इंग्लैंड से, उसमें औरतें और बच्चों और सोल्जर्स से। सिंपली किसी को क्या मालूम था कि अब अगले लम्हे क्या होने वाला है। निकले अपने केप टाउन से, 64 किलोमीटर्स अवे थे,
64 kilometers away from Cape Town. यानी कि अपने मंजिल के काफी करीब तक पहुंच चुके थे, सिर्फ 64 किलोमीटर दूर थे कि उसमें रात के 2 बजे के करीब, कितने बजे? रात के 2 बजे के करीब, रात के 2 बजे के करीब यह जहाज एक चट्टान से टकराता है. वो चट्टान मैप में नजर नहीं आती, यानी कि मैप में आइडेंटिफाई नहीं थी कि समंदर की सतह में पानी के नीचे एक ऐसी बड़ी चट्टान है जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं हुई थी. उस चट्टान से टकराने की वजह से ये हुआ कि कश्ती के टुकड़ा हो गया. अब उसी लम्हे में जब लोग अफरा तफरी स्टार्ट हुई कि मतलब ये क्या हुआ, तो उसी तकरीबन जब उन्होंने शिप को मोड़ने की कोशिश करी तो दूसरी दफा उसी चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से शिप के 2 टुकड़े हो गए, तकसीम हो गई 2 हिस्सों में. पहला हिस्सा जो हमारा फ्रंट पार्ट था शिप का, वो फौरन से डूब गया. बैक जो पार्ट था वो काफी थोड़ी देर फ्लोट कर रहा था, तो लोग जितने भी थे वो बैक साइड पे चले गए. इस शिप के टकराने की वजह से, इसमें हर शिप की एक बात होती है कि उसमें लाइफ बोट्स जरूर होती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ मुश्किल पेश आए, तो आप लाइफ बोट का इस्तेमाल करके भी अपनी जान बचा सकते हैं. लेकिन इसमें जितनी भी लाइफ बोट थी सब डैमेज हो गई सिवाय 3 लाइफ बोट के. कितनी बची? सिर्फ 3 लाइफ बोट्स बची थी. और उन लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी कि एक बोट 60 लोगों को सिर्फ संभाल सकती थी. यानी कि 3 लाइफ बोट का मतलब हुआ सिर्फ 180 लोग, यानी 180 लोग सिर्फ बोट में सवार हो सकते थे. बाकी कितने बचे? आपके पास 450 लोग बचे. उनके साथ क्या होना है? सिर्फ 60 लोग, 180 लोग शिप में सवार हो सकते हैं. उस सूरत हाल में उस शिप के कैप्टन और कमांडर ने, सीटन के नाम से एक मशहूर है कैप्टन, उन्होंने एक नारा लगाया था जो कि मशहूर है बर्केनहेड ड्रिल के नाम से. वो नारा ये था कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी कि औरतें और बच्चों को पहले सवार किया जाए शिप में, जो कि हमारी लाइफ बोट. हमारे पास औरतें और बच्चों की तादाद कितनी थी? 170 थी, और बोट में कितने हैं? 180 लोग आ सकते हैं. तो उस सूरत में ये हो सकता था, पैनिक क्रिएट हो सकता था. जैसे कि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन को अगर कंपेयर करें तो एक अगर कुछ भी होता है, हल्की सी भगदड़ बन जाती है, तो काफी लोग कुचले जाते हैं, मर जाते हैं, लोग पैरों के नीचे आके, कमजोरों के साथ ये होता है कि वो पीछे रह जाते हैं और ताकतवर हमेशा आगे निकल जाते हैं. लेकिन इस शिप की, बर्केनहेड की खास बात थी और इस कमांडर की खास बात ये थी कि उसने नारा लगाया कि औरतों और बच्चों को पहले सवार किया जाए. 460 फौजी जो कि बिल्कुल जवान थे उस टाइम पे, उनको एक डिसिप्लिन के साथ सब अपनी अपनी कतारों में खड़े हो गए, यानी कि वो अपनी मौत का इंतजार करने के लिए तैयार थे. बर्केनहेड ड्रिल का एक और मतलब है वो ये कि अपनी मौत का सामना करना और कमजोरों को पहले मौका देना कि वो अपनी जिंदगी बचा सके. एक एग्जाम्पल, हीरोइक एग्जाम्पल है सेल्फ सेक्रीफाइस की और डिसिप्लिन की. अच्छा, लोग औरतों को सवार किया गया, कश्तियों को भेजा गया, उसमें बाकी 10 लोगों की जगह बची थी, उस 10 लोगों में कमजोरों को भी बिठाया गया था. बाकी आपके पास 450 जो सोल्जर्स थे वो वहीं खड़े रहे शिप के अंदर, ना कि वो जान बचाने के लिए क्या कर सकते थे, पानी में छलांग मार सकते थे. लेकिन पानी केप टाउन के पास ऐसा था, समंदर ऐसा था कि उसमें व्हाइट शार्क्स मौजूद थी, तो उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे. 2 रास्ते क्या थे? एक रास्ता ये था कि आइदर ईटन बाय व्हाइट शार्क दूसरा वो डूब के मर जाए. तो बर्केनहेड ड्रिल में एक डिसिप्लिन के साथ वो उसी शिप में मौजूद रहे, और जैसे ही शिप पानी के अंदर गया उसी डिसिप्लिन के साथ, जो कि लाइन बाय लाइन खड़े हुए थे, उसी के साथ वो पानी के अंदर चले गए हमेशा के लिए.
एक और इसी कहानी में एक और आपके पास हीरोइक सेल्फ सेक्रीफाइस की एग्जांपल है कि वो ये कि एक कमांडर जो कि शिप रैकेज जो कि शिप के टुकड़े हो चुके थे, तो लोगों ने अपनी कुछ काफी सारे सर्वाइवर्स, कहते हैं कि 24 सर्वाइवर्स मैन सर्वाइव किए थे उस शिप के बाद। उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया? वो इस तरह सर्वाइव किया कि शिप के टुकड़े थे रैकेज से, उस पर अपने आप को उन्होंने सपोर्ट किया कि पानी में तैर सके। तो एक कमांडर ने देखा कि दो नौजवान यंग सोल्जर्स पानी में डूब रहे हैं, तो उसने क्या किया कि जिस रैकेज पे वो था उसको उन लोगों की तरफ धकेला, उन दोनों की तरफ। अब धकेला उसको, अब तीनों उसी उस टुकड़े पे आ गए, शिप के उस टुकड़े पे आ गए। कमांडर ने ये रियलाइज किया कि टुकड़ा जो है जो जिस टुकड़े पे रैकेज पे वो थे वो तीनों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसने अपनी जान दे दी, यानी कि उसने उस रैकेज को पीछे किया, अपने आप को अलग किया और उन दोनों को उस पे सवा पे ही रहने दिया और खुद डूब के मर गया। अच्छा, अब ये तुम्हारे पास पूरी स्टोरी थी बर्केनहेड ड्रिल के बारे में कि ये क्या है। अब हम इसके सवाल देखेंगे कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के सवाल आते। तो अगर मैं समराइज करूँ स्टोरी को, बर्केनहेड एक शिप थी, ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप शिप थी, ये जा रही थी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका केप टाउन। 64 किलोमीटर के फासले पे जो केप टाउन से दूर थे कि उस वक्त एक हादसा रुनमा होता है, इनकी शिप बर्केनहेड एक पत्थर से टकरा जाती है जिसकी वजह से शिप के दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। उस टुकड़ों में तकसीम होने की वजह से जितनी भी शिप्स मौजूद थी कश्ती के ऊपर, शिप के ऊपर, वो सब तबाह हो जाती हैं। सिर्फ 3 लाइफ बोट बचती हैं और उन 3 लाइफ बोट में सिर्फ 180 लोग सवार होते हैं। तो नज़्मो ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए जितने भी सोल्जर्स हैं वो अपनी जान देकर 170 औरतों को बचाते हैं और अब हमेशा के लिए पानी में चले जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस तरह हम इसको आंसर कर सकते हैं और एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं।